टू शहीद फाउंडेशन के मशकूरे कि अभी तक पाठा के लिए 9 कमेटियों ने काम किया है, मुझे याद है स्टूडेंट्स लाइफ से अभी तक। लेकिन इसमें अगर वाहिद कोई इस तरह का कमेटी है जिसके सिफारशात पे आज तक कुछ न कुछ अमल दरामद हुआ है तो वो बटू शहीद फाउंडेशन कमेटी के सिफारशात थी जो 2011 में जना मुहतरम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने इस पे दस्तखत करवाई और हमें शेयर किया जाए। मैं 3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि कबाइली और क्या चाहते हैं, हमारा मुतालबा क्या है, इस्लाहात किस चीज का नाम है, हम कौन सी इस्लाहात चाहते हैं। दूसरी बात ये कि इसके लिए रुकावट के तौर पे कौन कौन सी चीजें हैं जो जवाब बनाते हैं कि इस वजह से ये इस्लाहात नाफिज नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जो लोग ये नहीं चाहते कि ये इस्लाहात का निफाज हो, पाठा के पीके में मर्च को, इनके मकासद क्या है, इनके मफादात क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं समंदर को कूजी में बंद करूं और बात को इंतहाई मुख्तसर करूं। हम पाठा के अवाम 3 चीजें चाहते हैं, 3 चीजों का हमारा मुतालबा है। हमारे सबसे जो जिसको हम इस्लाहात का नाम देते हैं कि इस्लाहात को नाफिस करो, अब वो हमारे तमाम मुतालबात को लेके लोगों ने एक एजेंडा बना दिया कि केपीके को मर्ज करो, सारा मसला खत्म। इस तरह नहीं है, हमारे 3 मुतालबात है। एक मुतालबा हमारा ये है अमन का, कि अमन कायम करो। अमन के लिए हमने हुकूमत को रियासत को जो तजावीज दिए है इसका मुख्तसर लुबे लबाब ये है कि पस्ता पालतू ये कि जब तक अफगानिस्तान की सरजमीन में अमन नहीं आएगा, पाठा में और पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता है। ये लिख के जिस तरह के खून से लिखना चाहे, काबे में लिखना चाहे, जिस तरह से मैं लिखने को तैयार हूं कि जब तक अफगानिस्तान की सरजमीन पर अमन नहीं आएगा, पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता है। और हमारा मुतालबा यह है कि हमारा रियासत खुदारा अफगानिस्तान के साथ हमारी जो पॉलिसी है उसको रिविजिट करें, इस पर एक बार सोचे। अफगानिस्तान एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है, चाहे वह वहां पे उज़्बक या अफगानों का मर्जी है, उज़्बक को अपना हुकूमत हुक्मरान बनाए, ताजिक को बनाए। मैं समझता हूं कि किसी और रियासत को यह हक नहीं कि नहीं अफगानिस्तान की हुकूमत करेगा तो ये कौम हुकूमत करेगा, ये बंदा करेगा, वो बंदा करेगा, ये वो एक खुद मुख्तियार मुल्क तस्लीम होना चाहिए। वो 5 मनसूबा पाकिस्तान का न बना है न बन सकता है। तो एक तो हमारा मुतालबा ये कि इसके जरिए से अमन है। दूसरा जो हमारा मुतालबा है वो है डेवलपमेंट का, बल्कि डेवलपमेंट का मैं नहीं कह रहा हूं, रिहेबिलिटेशन उसको कहें या रिकंस्ट्रक्शन को आप कहें, कि जो ऑपरेशनों के दौरान चाहे तालिबान के जरिए चाहे फोर्सेस के जरिए दोनों एक है अलायदा अलायदा है, मैं इससे ऐसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन हमारा स्कूल हॉस्पिटल दफातर सड़कें बिजली जो 2002 से पहले का हमारा सिस्टम था वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। हमने रियासत से एक हकीर सा मुतालबा किया था, हकीर सा, कि हमारे रिहेबिलिटेशन के लिए और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 500 अरब रुपए दे दी, जो कि लाहौर में एक ट्रेन पे 600 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, जो कि कैंडी इस्लामाबाद में, हम इस्लामाबाद में हम आप साहब रहने वाले हैं कि यहां पे कितने रोड्स है, यहां पे कितनी सड़कों की जरूरत है, यहां पे ट्रांसपोर्ट में गरीबों को सरमाएदारों को जो भी तबका रहते हैं उनको कितनी मुश्किल आती है। 45 अरब 50 अरब यहां पे खर्च हो रहे हैं। जिन लोगों ने मुल्तान को देखा है 29 अरब एक ट्रेन पे खर्च हो रहे हैं। लेकिन हमारे रिहेबिलिटेशन के लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारा मुतालबा है कि 500 अरब हमें दे दे, लेकिन उसको हतमताई का वो नहीं बनाए कि इसके लिए हम चीफ एग्जीक्यूटिव बनाएंगे और चीफ एग्जीक्यूटिव का भी ये पता नहीं कि वो फौजी होगा, सिविलियन होगा, ब्यूरोक्रेट्स होगा, रिटायर्ड होगा, कौन होगा वो बंदा, कि वो पैसे आप किश्तवाड़ हमें दे दे। और वो किश्तवाड़ भी मुझे पता है, सेनेटर साहब भी है, इनको पता है कि हमारे पैसे कैसे रिलीज हो जाते हैं। 19 अरब का हमारा है
टोटल पाटा का जो एडीपी है 19 अरब का। 5 साल में मुझे कभी और वो भी 3 अरब तक पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में 19 अरब तक पहुंचाए, जो कि अभी तक इसमें एक पैसे का इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कभी याद नहीं है कि 9 अरब से ज्यादा हमारे खर्च हुए हैं, और इस 9 अरब में भी जो पैसे खर्च होते हैं वो मखसूस जो कॉलोनी है जहाँ पे हमारे फोर्सेज रहते हैं, जहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेसी रहते हैं, ज्यादातर पैसा वहाँ पे खर्च हो जाता है, बाकी अल्लाह खैर सला। और करप्शन का दास्तान है, और वो तो और एक और चीज है वो अपने जगह। तो दूसरा हमारा यही मुतालबा था कि ये पैसे हमें एक मुश्त दे दे, एक मुश्त दे दे रिलीज करे, और ये आप अपने जो पॉलिटिकल एजेंट है, जो पाटा सेक्रेटेरिएट है, जो गवर्नर सेक्रेटेरिएट है, इसके जरिए नहीं, एक बल्दियाती सिस्टम के जरिए हमें दे दे, जो कि 2013 में मेरा मुहतरम बाबर साहब है, इनके तजावीज थी, बुटू शहीद फाउंडेशन के तजावीज थी, जो बल्दियाती एक्ट वहां पर एक्सटेंड हुआ है। हमें एक बल्दियाती सिस्टम दे दे, इस पैसे का मालिक कबाइलों को खुद बना दे, इनके मुंतखब नुमाइंदों को दे दे, और इसके जरिए ये 500 अरब जो कि उनके मुंह में एक जरे का बराबर भी है, लेकिन हम समझ लें कि अगर ये कबाइली और मुंतखब नुमाइंदों के जरिए खर्च हो जाएंगे तो कम अज कम हमारे जो तबाही हुई है इसमें कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिल सकता है। तो हमारा दूसरा मुतालबा जो है कबाइली अवाम का, वो रिहेबिलिटेशन का है, रिकंस्ट्रक्शन का है। तीसरा आखिरी जो हमारा है वो ह्यूमन राइट्स का है, इंसानी हकूक का है। इसके लिए हमने मुतालबा ये किया है कि 247 को हटा के हमें मुल्क के आला अदालतों में बिल का हक दिया जाए, हम इंसान हैं। आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि एफसीआर के तहत हमारे साथ क्या हो रहा है, ये वो सारे वो आप सबको पता है। दूसरा ये कि हमारे 20 पार्लियामेंटेरियन है, और हम इस मुल्क के शहरी हैं, यहाँ के कानून साज इदारों में जो कानून साजी होती है, हम ऐसे तो कह रहे हैं कि हमारा पार्लियामान सबसे बड़ा तरह एफसीआर से बड़ा नहीं, क्योंकि आपका पार्लियामान में जो कानून साजी हो जाती है और सीनेट में इनका इंप्लीमेंटेशन पाठा भी नहीं है, तो पोलिटिकल एजेंट में ज्यादा ताकत हुआ या आपके पार्लियामानी इदारे में ज्यादा ताकत हुई। तो दूसरा ये कि हमें ये हक दिया जाए, चाहे मुल्क के जो कानून साजी हो दूसरे अवाम के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, इनका हम पे भी इम्प्लीमेंटेशन हो, और अगर हमारे ये भाई हम अपने इलाके के लिए कोई कानून साजी करना चाहे तो उसको भी ये इजाजत हो। तो ये 3 तो हो गए हमारे मुतालबा। अब इसमें रुकावट डालने के लिए जवाब क्या बनाया जा रहा है? पहला जवाब तो ये कि भाई हमारा एक रिवाज है, हम नस्लन पुख्तून है, जो पुख्तूनों का रिवाज है वो कबाइलों का भी रिवाज है। हमारा कोई कबाइल, हम कोई मंगोल नहीं है, हम कोई कलाश नहीं है, हम कोई इस तरह का कौम नहीं है, हम पुख्तून है। जो पुख्तूनों का रिवाज पिशावर में है, जो बनों में है, जो क्वेटा में है, जो कंधार में है, जो आसमार में है, जो जलालाबाद में है, वही हमारे रिवायत है और वही हमारे रवायात है। तो अगर कंधार की पुख्तून, अगर पिशावर की पुख्तून, अगर क्वेटा की पुख्तून, मर्दान की पुख्तून, चारसदा की पुख्तून, दिल की पुख्तून रह सकते हैं ये मौजूदा मुल्क का जो कानून है, आईन है, दस्तूर है, इसके साथ चल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं चल सकते हैं? दूसरा ये कि मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूं, ये सारे हम कबाइल है, ये सारे इस्लामाबाद में ज्यादातर रह रहे हैं। मेरा तो ये है कि परमानेंट यहां नहीं रहा हूं, गरबा जोड़ में बच्चे वहां पढ़ते हैं, 21 तारीख को आलमी जो मादरी जबानों का दिन था इसके लिए यहां पे आया हूं, ज्यादातर इधर भी होता हूं अपने इलाके में। लेकिन हमारे सारे पुख्तून, ये पिंडी में आप जाए सदर में सारे हमारे बाजोड़ के लोग, आप राजा बाजार जाए पूरा राजा बाजार हमारे बाजोड़ के लोगों का है, अपारा में जाए। तो हम अगर इस्लामाबाद में आइए कानून और दस्तूर के साथ रह सकते हैं, तो अपने इलाकों में हमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ लोग कह रहे हैं इसको सूबा बनाए। आप ये नक्शे में अगर जोराबिया अगर नक्शा आया तो आप नक्शा उठा के देख ले, क्या ये सूबा बन सकता है? ये तो एक पतली सी पट्टी है।
ये तो पतली से पतली है बाजोड़ से, ये अनीता से मैं बात करता हूँ, ये वजीर है, मैं बाजोड़ी हूँ, मैं इसका जबान मुझे समझने में कहता हूँ अनीता पुश तो मैंने आप उर्दू में बात करी है सामने, हम तो एक जबान को नहीं जानते, हमारा कल्चर अलग-अलग है, हमारा कल्चर एक नहीं है, मेरे कल्चर में और खैबर के जबान में भी और फिर सेनेटर साहब के जबान में भी कल्चर में भी बोल चाल में भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग रेफरेंडम करें, नौ कमेटियां बनाई यहाँ पे, रेफरेंडम का जो रिकॉर्ड है वो तो किसी से पूछा नहीं कि रेफरेंडम क्या है, उन लोगों का मतलब ये होता है जो रेफरेंडम पे उनको पता है पाटा के सिस्टम को, वो बच्चे नहीं है, वो समझ के पोलिटिकल एजेंट बक्सा रख के और दो मिनटों में भर देंगे, इनका यही मकसद है, बाकी उनको पता है कि कबाइली अवाम क्या चाहते हैं। ये इन लोगों के पास कभी और ये जवाब रुकावटों के लिए आज कि हमारे पास बालिग रदही की बुनियाद पे वोट का हक नहीं था, आप लोगों को याद है जब हम मुतालबा करते थे कि जी हम बालिग भी हैं और आकिल भी हैं, हमें वोट का हक दिया जाए, तो लोग कहते थे नहीं 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 भाई, बस मैं बिल्कुल नहीं कि अगर पाटा के अवाम को बारे रही की बुनियाद पर वोट का हक मिला तो ये तो तबाही आ जाएंगी, ये तो ये होगा वो होगा और पता नहीं, ये अपने आप से जो स्कॉलर बनते हैं क्या क्या बातें करते थे, क्या क्या नकूस निकालते थे, हम खुद हैरान हो जाते थे कि किस दुनिया के बात करते हैं। हमें बालिग रही की बुनियाद पर वोट का हक मिला, अभी तक पाटा में जितने इलेक्शन है बालिग रही की बुनियाद पर हुई है सबसे पुरानी इलेक्शन है। फिर हमारा